बेशुमार दे, मगर मैं आपसे सारी जमात से मैं यहां कहता हूं कि अगर ये मदरसे ना हो तो बताऊं मस्जिदों के मौजिन कहां से आएंगे, मदरसे के मुदर्रिस कहां से आएंगे, मस्जिदों के इमाम कहां से आएंगे। आपने तो ये समझ लिया है कि मौजिन का मतलब ये है कि उंगली झाड़ू लो, सफाई करो, इमाम साहब का टिफिन लो, खाना लो। अल्लाह के नबी ने इन मौजिनों की परेशानियों को देखते हुए एक बार हाथों को उठा करके कहा था, मौला करीम मेरी उम्मत के मौजिनों की मगफिरत फरमा देना। अल्लाह के नबी ने मगफिरत की दुआ की अल्लाह इन मौजिनों के लिए, इन इमामों के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अजान पढ़ता रहेगा 7 बरस तक बरोसे महशर उस मौजिन की गर्दन सबसे बुलंद होगी। वाह 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 वाह, जोर से बोलो, क्या बात है। वाह, दुनिया सोती है, रात अंधेरी है, सुबह के 4 बज रहे हैं, बारिश हो रही है, सर्दी शबाब पर है, पूरी दुनिया सोई है, इसी दरमियान हमारी मस्जिद के मीनारे से आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये आवाज है कौन बुलंद कर रहा है, ये हमारी मस्जिद के मुअज्जिन बुलंद कर रहे हैं। बेशक बेशक, हक है, सच्ची बात है। मुफ्ती साहब बहुत अच्छा, इन मौजिनों की कभी दावत कर दिया करो, कभी नजराना दे दिया करो। 10,000 में आपका घर नहीं चलता, इन बच्चों का घर 4,000 में कैसा चलेगा। इमामत को आपने क्या समझ रखा है, इमाम साहब।